सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। हेमन गिरीश ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह हम सबसे पहले ये शब्द बोलेंगे, जय श्री राम। आप सभी को जय श्री राम। और आइए, सुबह की शुरुआत हमारी हो रही है आज 11 बजे से, क्योंकि गोसाई जी को आज लेट ऑफिस जाना है। और हम पी रहे हैं चाय। पता नहीं क्या हो रहा है, हम लोगों की नींद ही नहीं पूरी हो रही है। नींद ही नींद आई जा रही है, और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी भी मैं जाके सो जाऊँ, पर अब उन्हें जाना है तो मुझे खाना भी बनाना है उनके लिए। जी गोसाई जी, कैसा लग रहा है आपको? सो के लेट सो के ना उठ के, कितने बजे उठे तुम? 9 अब लग रही है नींद पूरी? और तुम कितने बजे उठे? टुक टुकी टुक टुकी, टॉय चाहिए? गिरीश को टॉय फेंक देना है ऊपर, बॉल उसको खिलाना चाहिए। फेंको तो चूचू वाला कहाँ है इसका, एक और पिंक कलर का। कैसे खेल रही कैसे खेल रही है देखो। तो अभी हम लोग पी रहे हैं, वहाँ भी गोसाई जी भी पी रहे हैं चाय, और चाय बनाई है गोसाई जी ने, और मैं चाय के साथ खाऊंगी अपना क्रीम ट्रीट। तुम लोग चाहिए क्रीम ट्रीट? खाऊंगी मैं चाय के साथ अपना। उसको देखो पैकेट की आवाज़ आई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आपके खाने का है ये आपके खाने का है? चलो इसको, इससे खेलो। तो चलिए बस मिलते हैं चाय पीने के बाद। यहाँ पर है, यहाँ पर गिर, ये ले पानी लेके चली गई। तो दोस्तों आ गए हैं किचन में, किचन में आ गए हैं, और बनेगी भट की दाल। और आज बहुत ठंडा मौसम है, तो आज भी मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं नहाऊंगी, जैसे मैंने कल सोचा था। अगर दिन में थोड़ी सही हो गया मौसम तो मैं नहाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं नहाऊंगी। कल तो मैंने नहा लिया था, क्योंकि गोसाई जी का था व्रत, तो फिर उनके लिए खाना बनाना था, तो मैंने सोचा यार नहा ही लेते हैं, मैंने इसलिए नहा लिया था। बट आज ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरा मन नहीं है नहाने का, और मेरी तबीयत थोड़ी ऐसे ही है ढीली डाली। तो अभी मैं जा रही हूँ भट की दाल और भात बनाने, क्योंकि गोसाई जी आज दिन में जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि चावल और दाल बना दो, तो मैंने कहा भट की दाल बना देती हूँ। तो चलिए आइए बनाते हैं भट की दाल। मसाला सारा कट चुका है, और मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, और यहाँ पहले चावल इसलिए रख दिए क्योंकि चावल ना फिर सीटी नहीं निकलती है, तो वो गीले गीले रह जाते हैं। और वहाँ देखो वहाँ खेल हो रहा है। तू तू की का कला बेटू, खेलो आप खेलो खेलो आप। देखो अब हाँ क्या हुई, आपने दो टमाटर खा लिए, अब सीधे रूम में जाओ, चलो अंदर जाओ सीधे, बाय दुग्गा, अंदर जाओ सीधे बेड पे, चलो जल्दी जाओ। आ चुकी है मेरे कुकर की, फटाफट मैं भट की दाल बनाती हूँ। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, अब हम कढ़ाई और कुकर को जरा शिफ्ट कर लेते हैं। पहले ले आते हैं डस्टर। गाइस मैंने डाल दिए भट, जो कि आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे इनके चटकने की। छुट्टी जालो रुमाला। तो यहाँ मैंने गार्लिक डाल दिया है, शिव का कला से जस अजर हमारा, हाय हाय निगोला। इसमें लहसुन डाल दिया है, जो कि अभी जब ब्राउन होगा तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज और हरी मिर्ची। और यहाँ मैंने टमाटर भी चॉप करके रखा है। शिव का खेला से जस अजर हमारा, आए हाय निगोला, नी छुटली माया सुहा, छुट जालो तुम्हारा, भू सको महल जड़ा न करो ही मोला, आए हाय निगोला, भू सको महल जड़ा न करो ही मोला।
छुट्टी जलो रुमाला नीव का केला तो उसमें मैंने लहसुन के साथ प्याज और हरी मिर्ची भी डाल दिया तो हम अच्छे से उसे भूनेंगे प्याज को भी तो गाइस अब मैं इसमें डाल रही हूँ सारे मसाले और आज मैं थोड़ा चटपटा ही बनाऊंगी, मन कर रहा है चटपटा सा खाने का तो हमने अच्छे से मिला लेंगे मसाले को। की दाल भी डाल दी अच्छे से बोली है एक सखी खोट दे कल है रच दिए है बिता पानी मैंने डाल दिया दोस्तों बेसन तो बेसन के साथ ऐसे अच्छे से मिला लेंगे गोली है एक सखी खोट देखन में है रच दिए हैं बिताता वे जोड़ी हुआ कहीं बाण में ताड़िका राक्षसी तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी करा था वो डाला बेसन के बाद तो अब हमेशा गर्म पानी ही डालें सर्दियों में, गर्मियों में भी इसमें से गर्म पानी ही डालते पर हल्का गुनगुना सर्दियों में तो डालते ही हैं क्योंकि इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, जो हमने बेसन डाला था ना उसके लम्स नहीं पड़ने चाहिए इसमें। दाल बन रही है और चावल बन चुके हैं हमारे। तो दोस्तों अब करते हैं गोसाई जी का लंच पैक फटाफट क्योंकि उनको 12 बजे निकलना था, उन्होंने मुझे 12 बजे का टाइम दिया था और मेरी दाल भी उबल रही है तो चावल रख देती हूँ फटाफट जब तक दाल उबल रही है तो मैं दाल रखूँगी। चलो चलो गोसाई जी, मंदिर में दिया भी जला दिया है, वो देखो वहाँ दिया जल रहा है और सारा बिस्तर भी सही करके गए हैं वो, उन्होंने पता है मेरी तबीयत ख़राब है, पूरा बाहर की भी रूम सही करके गए हैं, देखो झाड़ू पोछा लगा के गए हैं। मेरा हरी मिर्ची कौन लाया, ये मिर्ची कौन लाया, तुक तुक की मिर्ची खा लो आप, हाँ मिर्ची खा लो, आओ इधर आओ यहाँ पे बैठेंगे, जम करो जम करो, ऊपर बैठेंगे जम करो जम करो जम, चलो ऊपर चलो जम करो जम, चलो 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 बैठ जाओ, सीटी कर दो सीटी कर दो सीटी कर दो। कहाँ गई थी, दाल भात खाना है, दाल भात खाना है, खाना है दाल भात, देखो खाना है मतलब दाल भात खाना है, दाल भात खाना है, खाना है दाल भात, इसके लिए लाती हूँ पहले इसे खिलाती हूँ फिर खाऊंगी मैं। सो फाइनली अब मैं जा रही हूँ दोस्तों किचन में खाना बनाने के लिए, तो जैसे कि मैंने बोला था मैं नहाऊंगी बट मैंने नहाया नहीं है क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है और अभी नहाना मेरे लिए सही भी नहीं है तो मैंने इसलिए नहाया नहीं है। तो मैं अब जा रही हूँ किचन में खाना बनाने, तो खाने में बनेगा अंडा करी और रोटी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो मैंने सोचा अंडा करी बना लेते, सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। अंडा करी और रोटी बनाने के लिए जा रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ देखो टमाटर फ्रिज खुल गया तो इनको क्या चाहिए, टमाटर क्या चाहिए, क्या चाहिए पहले बोलो, हेलो गाइस बोलो पहले, नो क्या चाहिए तुम्हें, जंप 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 करो, जंप 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 जंप,
अभी तो खाया बेटा तूने एक टमाटर, फिर तुझे एक टमाटर चाहिए, तुझे पता है कितने महंगे टमाटर हो रहे हैं, हैं? पर कोई बात नहीं, खा ले, हमारे पे जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है, हम तुझे खिला सकते हैं टमाटर। हम कुछ हम तो लोग तो बच्चे पाल रहे हैं, हम कुत्ते भी पाल लेते हैं। लो जाओ, मैं आ चुकी हूँ और हम बनाएंगे एग करी। तो किसमें बनाऊँ, इसमें बनाते हैं, इसमें बनाएंगे एग करी। तो आज हम ट्राई करेंगे कविता जी की रेसिपी, जो वो कविता जी बनाती हैं अपने तरीके से, तो दिखाते हैं कैसे बनाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पानी उबालने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि कविता जी की तरह बनाना है तो, और टमाटर भी धो लिए हैं मैंने, तो टमाटर को करना है हमें बॉईल। यहाँ पे मैं चार टमाटर ले रही हूँ, और जैसे मैं बनाऊँगी बता जाऊँगी, कविता जी की रेसिपी है, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस पे लगा लेंगे कट, टमाटर में लगाना है कट, क्योंकि बॉईल करने के लिए रखना है तो अच्छे से बॉईल होना चाहिए। मैंने ली है लहसुन की चार कलियां, और अब मैं पूरे काट रही हूँ सब्जी और मिर्ची को भी। तो गाइस यहाँ मेरा मसाला हो चुका है, मसाला, और यहाँ मेरे टमाटोज हो गए हैं बॉइल। तो मैंने भी पीसना है मुझे, तो इनको मैं निकाल देती हूँ पहले। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, और इसका थोड़ा पानी सूख जाए, लाइट ऑन कर लेते, थोड़ा पानी सूख जाए, इसलिए मैं फिर इसके बाद इसमें डालूंगी तेल। तेल क्या हुआ डुगा, इसको पता नहीं क्या हो रहा है चुहिया को। हाँ तो यहाँ पर तेल गरम हो रहा है, और उसको देखो जरा बाहर है, दिखाती हूँ, गेट पे बैठ के क्रू का इंतजार। क्या हुआ, अभी नहीं आई क्रू, क्रू नहीं आई अभी, आ ली अभी, आजा आओ जल्दी आओ, अभी नहीं आई। वो देखो गिरीश के लिए देखना जरा, हाँ अभी नहीं आएगी लो दुगु, क्या हुआ अभी नहीं आई, आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ आ जल्दी आओ। उसको लग रहा है गिरीश आ गया, और मैडम दरवाजे में पूपू पूपू लगा रखे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने तेल जो बताया था आपको, ये गर्म हो रहा है मेरा अभी फिलहाल के लिए। यहाँ मैंने इस पर मसाला डाल दिया है, ठीक है,
जितना मैंने मसाला डाल दिया इसमें, इसमें सब पीसा हुआ है। आज मैं बना रही हूँ कविता जी की रेसिपी। क्या हो गया? हाँ, इसको हम अच्छे से पकने देंगे मसाले को, ठीक है, तब तक ये थोड़ा कलर चेंज ना कर दे। और तब तक हम इसमें ये जो बॉयल टमाटर हैं इनको कर लेते हैं। ये देखो बॉयल टमाटर मैं इसमें डाल रही हूँ। एक ही रगड़ाक में पिस गया ये। चलिए अभी देखते हैं मसाले की हालत क्या है हमारी। तो अभी ये मसाला कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, इसको और गाढ़ा होने देते हैं अच्छे से। तो दोस्तों अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी जो मैंने अभी पीस के बनाई है, और इंडियंस का वो कि जब मसाला पीसे तो थोड़ा पानी डाल के हिला के आत्मसंतुष्टि करते हैं हम कि जो बचा कुछ मसाला वो भी इसमें गिर जाए, ठीक है। यहाँ पे इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। पता नहीं कविता जी ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बट कोशिश पूरी है कि उनके जैसा टेस्ट आ जाए इसमें। तो अभी मैं इसको पक रहा है। तो दोस्तों जब आप टमाटर डालते हैं ना तो तभी आपको नमक डाल देना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, ऐसा सारे शेफ बोलते हैं, तो मैं भी वही कर रही हूँ। और इसमें डाल दिया मैंने मिर्ची, ये डाल दी मैंने हल्दी, ये गया इसमें धनिया, और ये थोड़ा सा धनिया और, ठीक है, और वैसे तो टमाटर लाल है तो आ ही जाएगा, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा चिकन मसाला भी डाल रही हूँ मैं, इससे थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा। और मेरी कसूरी मेथी तो हर किसी में होती है, इसके बिना तो मुझे अपना खाना अधूरा लगता है। सर्दी भगाने का नाम बड़े लाल, हल्की सी काली मिर्च डालेंगे इसमें, ठीक है, और इसको अच्छे से ऐसे मिला लेंगे और कर देंगे गैस की फ्लेम को कम। इसको हम तोड़ दे, ऐसे छोड़ देंगे, हल्का सा पानी डालेंगे इसमें, इसको थोड़ा ऐसे पकाएंगे पानी डाल के। तो जैसे वो होता है ना, जैसे बिरयानी खाते हैं लोग उसके साथ सालन होता है, तो ये सालन टाइप हो रहा है। तो ये कुछ नहीं ज़्यादा मतलब मेहनत का काम नहीं है, कविता जी ने बहुत इजी रेसिपी बताई थी मुझे, तो मैंने उस तरीके से बनाया। वैसे तो मैं रोज़ काट के बनाती हूँ अंडा करी, पर आज मैंने कुछ नया ट्राई करा है। तो गैस की फ्लेम को मैंने बढ़ा दी है, देखो अब ये थोड़ा पकेगा, दिख ही रहा होगा आपको। तो जब ये पक अब इसमें ये ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको हम पकाएंगे यहाँ पर कवर करके। कवर कर दिया मैंने, गैस कर दूंगी मैं लो, ठीक है। तो इसमें पक रहा है आराम से।
तो भाई जब तक ये बनता है तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। दिन के बर्तन भी मैंने नहीं धोए थे आज, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, रात भी मुझे उल्टियाँ वगैरह हो गई थी। तो मैंने सोचा कि सब्जी बना लेती हूँ, फिर उसके साथ साथ में बर्तन धोऊंगी सारा। तो चलिए फटाफट धो लेते हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ समझ सकते हो आप। तो चलिए बर्तन धोते हैं फटाफट। कौन है बाहर, कौन है, गिरो नहीं आई अभी? कौन है? क्या हुआ डुगू, क्या हो गई डुगू? नो फिर भाव भाव, चलो बेड पे आओ, चलो अपने बेड पे, चलो जल्दी आओ, चलो बेड पे। गंदी बात नहीं करते हैं डुगू। आ डुगा नो, चलो आओ यहाँ पे आओ। क्या हो गई तुम्हें, कौन है? गिरू नहीं आई अभी तक? गुच्चा, तुमको गुच्चा आला है, तुमको गुच्चा आला है, तुमको गुच्चा आला है? गिलू नहीं आई अभी तक, तुम्हें गुच्चा आला है? गिलू नहीं आई अभी तक, गिलू जल्दी आओ, गिलू गिलू जल्दी आ जा, गिलू ऐसे बोलो, गिलू गिरू तुम बोलो, गिरू गिरू जल्दी आ, आ गई तुम्हारी गिलू, हैं? तुम्हारी गिलू आ गई? आई गिलू? भाई इतनी देर से भौंक रही है, अभी तो मैं वीडियो दिखाऊंगी, रुक जाओ उसका गोद में ले लो उसको। गंगा जल पानी कब देगा? अभी थोड़ी देर पहले देगा। अरे कुत्ते, ये तो तेरे पैर गिरे। ओ भाई इतनी देर से भौं भौं, बाद में गुस्सा आ गया बेचारी को, भौं 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 इतनी तेज कर रही है। गिरवा गई, गिरवा गई, ये गिरवा गई, गिरवा गई, ये गिरवा गई, गिरवा गई, ये मैं गिलू, मैं गिलू, मैं गिलू, मैं गिलू। देखा, इंसान से ज्यादा तो कुत्ता वफादार होता है। इस बेचारी को सिर्फ 6 महीने पाला है हमने अभी तक, और इतनी वफादारी कर रही है। रुक जा बेटा, रुक जा। ए गिरू उठा ले उसे एक बार यार, उस बेचारी कब से भौंक यार कैसे कर रही थी? क्या हुआ? मैं बाव बाव कला था, कोई जवाब नहीं दे रहा था, गिलू गिलू कला था मैं। मैं गिलू गिलू कला। ओए भाई, ओए भाई, आज को तुम लेट हो गए ना आज, है ना गिलू? गिलू आ गई तो भाई, गिलू आ गई तुम्हारी सुजू करी ना उसने पैसे, इसलिए हो रहा है। मी तो तू तो तू रॉ गले लगा ले एक बार, गले गले गले। मैं गिलो, मैं गिलो, बुझे 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 पाकते बुझे कदे बुझे कदे, मैं गिलो 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 पाकते पाकते मुझे कदे मुझे कदे मुझे 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 मुझे। ओए ओए तेरे कान कैसे चाट रही, मुंह नहीं दिख रहा तो कान ही चाट गया। ओए पूछ हो गई, ओए उसका पैर कैसा कर दिया तुमने? तो दोस्तों बर्तन धो दो तो सारे कपड़े गीले हो गए, तो मैंने दोबारा से नया नाइट सूट पहन लिया, क्योंकि अब तो सोना ही, इसलिए विंटर गर्मी समर ओ सॉरी समर का पहना है, गर्मी विंटर सब हो गया। कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं वीडियो बनाते टाइम। तो गुसाई जी भी आ गए हैं, और मैंने यहाँ पर एग करी जो बनाई थी वो ये दिखा दिया आपको, ये देखिए ये है मेरी शानदार गर्मा गर्म एग करी, पता नहीं कविता जैसी बनी होगी नहीं होगी। और ये हमारी रोटियाँ, और ये मेरा तोतू का, और ये मेरा, ये हम देख रहे, कौन सी देख रहे हो तुम आज, आज कौन सी वेब सीरीज देख रहे हो? द ब्रदर्सन। ये तो तुम कब से देख रहे हो, खत्म नहीं हुई अभी तक ये? मैं खा लेती हूँ खाना, और उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। पहले जरा कैमरा साफ कर लो, बहुत गंदा हो रहा है। अब ठीक है, तो गाइज अब मैं खा लेती हूँ खाना, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी देर के बाद।
तो गाइस कल आपको लाइव आने के चक्कर में ना मैं ब्लॉग का एंड करना ही भूल गई, तो अब मैं सपोर्ट के ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो गाइस आप सभी से ही है विनती है हमारी कि मेरे ब्लॉग को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें। सो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तब मैं सो रही होंगी, तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।